अगर आपके हेयर रफ हैं, डैमेज है, फ्रीजी है, आपके हेयर में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो इन सब का होम रेमेडी सॉल्यूशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली गेट फ्रेस। क्योंकि समर आ चुकी है, समर से रिलेटेड आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर पैक, जिसे अप्लाई करने के बाद आपके हेयर सॉफ्ट, सिल्की, शाइनिंग तो होंगे ही, और साथ ही आपके हेयर फॉल में भी कमी देखने को मिलेगी। कल ही मैंने अपने हेयर में अप्लाई किया था एंड आप मेरे हेयर में साइन देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा पावरफुल होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कुछ मैंने मोदी केयर का भी प्रोडक्ट यूज किया है, साथ ही कुछ नेचुरल रेमेडी का यूज किया है जो आपके किचन में इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं 4 बड़े चम्मच दही ले रही हूँ। दही में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, साथ ही विटामिन B5 एंड विटामिन D भी पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है कलौंजी, जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लिया है एंड इसके 2 बड़े चम्मच यूज करूँगी। कलौंजी डर्मेटोलॉजिकली पर्पज़ के लिए यूज होता है एंड इसे आप बालों में लगाने के 3 से 4 घंटा पहले दही में डालकर सोक करने के लिए छोड़ दें, या फिर आप ओवरनाइट भी इसे इस तरह से रख सकते हैं, जिससे उसके सारे गुण दही में आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर 2 अंडे का यूज कर रही हूँ। अंडा जो होता है वो न्यूट्रिएंट सुपर फूड होता है आपके हेयर के लिए, एंड अंडा आपके हेयर को थिक एंड हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। इसका जो योल्क और जो पीला वाला जो पार्ट होता है वो आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है, आपके हेयर को सिल्की शाइनी बनाने में हेल्प करता है। एंड जो वाइट वाला होता है वो प्रोटीन से भरपूर होता है, तो वो आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है। एंड फिर यहाँ पर मैं मोदी केयर का हनी यूज कर रही हूँ। 2 स्पून ले लूँगी हनी। आपके हेयर में अगेन लाइट एंड शाइन ऐड करने में हेल्प करता है। एंड इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगेगा, बट आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लीजिए इस तरह से। मैंने यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसकी क्वांटिटी आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। एंड साथ ही अगर आप एग यूज़ नहीं करते हो तो उसे आप स्किप कर दो। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड छोटे से नोटिफिकेशन बेल उसे प्रेस कर दो। इसे अप्लाई करने से पहले अपने हेयर में अच्छी तरह से कंघी कर लीजिए एंड मेक श्योर कि आपके हेयर क्लीन हो। यह हेयर पैक आपको पार्लर वाली केराटिन ट्रीटमेंट की तरह फील देगा एंड आपके हेयर बिल्कुल ही स्मूथ सिल्की हो जाएगा। सो इसे अप्लाई करने के लिए अपने हेयर को इस तरह से डिवाइड कीजिए, थोड़ा थोड़ा सेक्शन ले लीजिए एंड फिर लेकर इसे अपने पूरे हेयर रूट्स, स्कल्प, साथ ही हेयर लेंथ तक अप्लाई कीजिए अच्छी तरह से। इसमें जो कलौंजी का यूज हुआ है वो आपके हेयर स्कल्प को हेल्दी बनाता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही आपके जो प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है हेयर उसे कंट्रोल करता है, साथ ही आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड दही डीप नरिशमेंट कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, साथ ही रेडियंस ऐड करता है हेयर में, जिससे आपके हेयर स्मूथ सिल्की होते हैं। एंड जो अंडे का यूज हुआ है वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपके हेयर रूट्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास सावर कैप है तो बो लीजिए, या फिर आप इस तरह के जो सब्जी वाला पॉलीथीन होता है इसे लेकर अपने हेयर को अच्छी तरह से रैप कर लीजिए, बिल्कुल ही कवर कर लीजिए। एंड आपको वेट करना है 1 घंटे, इस हेयर पैक को अपने हेयर में लगे रहने दीजिए एंड फिर आप नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को अच्छी तरह से वॉश कीजिए एंड फिर उसके बाद शैम्पू का यूज कीजिए अपने हेयर को क्लींज करने के लिए। एंड इसके बाद आपको हेयर में थोड़ा फ्रिजनेस फील होगी, क्योंकि कलौंजी के जो पाउडर होते हैं वो आपके हेयर में थोड़े रह जाते हैं, बट जब अच्छी तरह से कॉम्ब करोगे तो वो धीरे धीरे झड़ जाएंगे एंड फिर आपके हेयर की फ्रिजनेस चली जाएगी एंड आपके हेयर बिल्कुल ही सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ फील होंगे एंड आप खुद यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। आप इस हेयर पैक को अप्लाई कीजिए अपने हेयर में, आप हफ्ते में या 15 दिन के बाद एक बार यूज कर सकते हो, बिलीव मी आपके हेयर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आई होप सो आप सभी को मेरा यह हेयर रेमेडी वीडियो पसंद आया हो, आप इसे अप्लाई कीजिए, साथ ही मुझे कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए एंड खुश रहिए।